सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा कोकोनट ऑयल, जो कि मैंने पतंजलि कंपनी का यूज़ करा है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में है और आप जैसे कि देख सकते हैं एडिबल कोकोनट ऑयल है। आप इसकी जगह कोई और ना ही यूज़ करें तो बेहतर होगा, सबसे बेस्ट रहेगा यूज़ करने के लिए। और हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस, जो कि हिबिस्कस फूल है और इसे हिंदी में कहते हैं हम गुड़हल का फूल। हम ये यूज़ करते हैं और इसकी जगह हम इसके लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो कि मेरे पास दोनों चीज़ अवेलेबल है तो मैं इनमें दोनों डालूँगा। हमारा तीसरा मेन इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, आपको पता ही है, यह है येलो बी नेस्ट, मतलब आपको हिंदी में पता होगा ततैया या भीरड़ का छत्ता, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि जिसमें इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हेयर फॉल को स्टॉप करती हैं, वो हम लास्ट में डालेंगे। और हमें इसको जब तक पकाना है, जितनी आपने कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी डाली है वो लगभग हाफ या थोड़ी सी हाफ से ज़्यादा बच जाए, जैसे कि मैंने 500 ml डाला और मैं 300 ml या 350 ml तक, जब तक ये हो जाएगा तब तक इसे पकाऊंगा। सो फ्रेंड्स, हमारा ये ऑयल बनके तैयार हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जितनी हमने ऑयल की कोकोनट की डाली थी क्वान्टिटी स्टार्टिंग में, ये लगभग लगभग उससे देखो हाफ हो चुका है और ये अच्छी तरह पक भी चुका है और सारा जो हमने डाला था मटेरियल उसका एक्सट्रैक्ट भी इसमें से प्रॉपर निकल चुका है। तो अब ये हमारा हेड पे यूज़ करने के लिए, ऑयल हेयर्स पे यूज़ करने के लिए बिल्कुल प्रॉपर बन चुका है।